हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं तो चंगा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे फालतू में गप्पे मार रहा हूँ। नहीं नहीं यार, देखिए जी। हाँ जी, पूछिए सवाल, पूछिए सवाल। उनका दिमागी संतुलन ना थोड़ा सा बिगड़ गया है एक्चुअली इसके बाद। हाँ, वजह क्या है माफ कर दिमागी दीजिए। संतुलन बिगड़ने की? एक्चुअली मुझे सच में लगता था, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, मुझे ऐसे लगता था कि डांसिंग लोग इतना बड़ा हुआ बनाते हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्या है डांस में? डांस तो कोई भी कर सकता है, बट बॉस इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आपको जो लगता है कि परफेक्ट है, शायद वो परफेक्ट ना हो, और आप जब नहीं मानते हो ना, तो ऐसे लोग आपको वीडियो दिखा देते हैं कि देख लो, बोल रही हूँ ना, नहीं है ठीक। तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार क्या करूं मैं, पूरा तो डाला था एनर्जी, हाथ तो पूरा ही डाला था, पता नहीं वीडियो में नहीं दिख रहा हाथ पूरा, वीडियो में आधा दिख रहा है, पता नहीं कैसे। तो इट्स नॉट इजी, इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत। एंड भाइयों और उनकी बहनों, जिसको अगले साल या उसके अगले साल या कभी भी किसी भी नृत्य नाटिकों में जाना है, तो कृपया बहुत मेहनत कीजिए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ पेन, इट्स अ लॉट ऑफ स्वेट। सो दैट्स वाई आई थिंक इट्स जस्ट टू डिफिकल्ट मैनेज, बट Are you ready for all of आई this? एम यार, आई एम ट्राइंग टू। द फर्स्ट डे आई थॉट इट वॉज वेरी इजी, बिकॉज फर्स्ट डे ना इन्होंने मेरे को ज़्यादा कुछ करवाया नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाई जिसमें मेरी जान निकल गई, और उसके बाद एक हल्का सा थोड़ा एक दो स्टेप्स, हाँ एक दो सेक्शन स्टेप्स के करवाए थे, तो बहुत ईजी था वो मेरे लिए उस टाइम। चाहे वो भी पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को लगा ऐसे ही है, बट अब लाके पता चल रहा है कि बस बहुत टफ है, बट ठीक है। इफ इट्स नॉट टफ देन यू डोंट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ झलक, एंड इफ यू डोंट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ झलक देन यू आर नॉट हेयर। सो या, वी हैव टू लाइक रेज द बार। भैया ये तो इनसे ही पूछो, मेरे को तो डर लग रहा है इनसे। मतलब मेरे को ना आज ये थोड़ी, मतलब ऐसे इनको समझ आ गया है, 2-3 दिन से मेरे साथ है ना, तो अब इनको ये समझ रही है कि ये बच्चे बेचारे, जो बेचारा बच्चा है, यू नो नॉर्मल आदमी, प्रिंसेस नॉर्मल, इसको भूख लगती है तो इसको जाने देना चाहिए, इसको नींद आती है तो इसको जा छोड़ दो, इसको थोड़ा सा बोल दो कि हाँ अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो खुश हो जाता है। तो आई थिंक शी इज़ वर्किंग अ लॉट ऑन मी, एंड आई थिंक मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस ऑब्वियसली इनको होता है, क्योंकि शी नीड्स टू सी हर स्टेप्स, एंड शी नीड्स टू मेक श्योर दैट मैं भी अच्छा करूँ। तो थैंक यू सो मच माँ, ओके बेटा जीते थैंक यू रहो। सो मच फॉर मेकिंग मी रियलाइज हाउ बैड आई एम, एंड मेकिंग मी बेटर। या नो, आई थिंक आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन हिम देन ही हैज़ इन हिमसेल्फ। और आई थिंक ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इसीलिए आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन हिम एंड आई एम बींग टफ ऑन हिम के यू नो कि आप कर सकते हो, आप इससे अच्छा कर सकते हो, बिकॉज ही कैन। एंड आई नो दैट वंस ही इज़ ऑन द शो देर आर डिफरेंट थिंग्स ही कैन शो हिज वर्सिटैलिटी। एंड आई थिंक बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दो तो वो हर चीज़ में अडेप्ट कर लेंगे। आई थिंक ही इज़ अ क्लीन स्लेट राइट नाउ, और मैं बहुत सारी चीज़ें इनके साथ कर सकती हूँ कि एक स्टाइल नहीं है इनका, यू नो, इसलिए ये वर्सेटाइल हो सकते हैं। क्योंकि लाइक हिप हॉप की जानकारी नहीं है, कंटेम्प्रेरी की जानकारी नहीं है, जैज किसी चीज़ की भी जानकारी नहीं है, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज ही हैज़ रिदम, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बहुत सारी चीज़ों में। तो आई एम प्रिटी पॉजिटिव अबाउट हिम मोर देन ही इज, सो आई थिंक ही विल डू अ वेरी गुड जॉब। यार आई थिंक ये जो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, बचपन से हर टीचर मुझे यही बोलता था, यू डोंट नो एनी थिंग बट यू कैन डू एवरी थिंग, बट इवेंचुअली आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक ऑब्वियसली शी हैज़ टू टीच मी ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम हर स्टूडेंट एंड हर पार्टनर, बट जो इनके पास इन्फॉर्मेशन है, जो इनकी नॉलेज है अबाउट ऑल दीज डांस फॉर्म्स, यही मेरे को सिखा सकती हैं, एंड इट्स वेरी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस इन मी, बिकॉज एज समवन जिसे कुछ भी नहीं आता इस डांस फॉर्म में, ऑब्वियसली यू टेंड टू गेट डिसहार्टन्ड एट टाइम्स, बिकॉज यू टेंड टू फील कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता है, बिकॉज व्हेन यू सी समवन लाइक हर परफॉर्मिंग समथिंग, यू गेट स्कैर्ड, बिकॉज यू नो यू गेट इंटिमिडेटेड, बिकॉज आपको लगता है कि शायद आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो,
But obviously, I've realized in the few days that I've rehearsed with her and I've practiced with her that एक बार अगर आप सोच लो कि आपको करना है तो वो इवेंचुअली हो जाता है. मतलब फर्स्ट डे मुझसे स्टेप्स नहीं हो रहे थे, सेकंड डे उन्होंने बोल बोल के कहा कि होएगा होगा. जो स्टेप्स एक्चुअल में नहीं हो पा रहे थे, बहुत टफ लग रहे थे, तो इन्होंने कहा ठीक है डोंट वरी आई विल चेंज इट. बट एट द एंड ऑफ द डे यू कांट बी डूइंग अ सिंपल वॉक और यू कांट जस्ट बी माइमिंग द सॉन्ग. तो आज वो लेवल आ गया है कि एटलीस्ट आई नो द ट्रैजेक्टरी ऑफ द एंटायर सॉन्ग, आई नो व्हाट माय स्टेप्स आर. अब कल से हम क्लीनिंग कर रहे हैं सॉन्ग की, जो आई होप सो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट बाय टुमारो व्हेन वी परफॉर्म टुगेदर हम फाड़ देंगे. आई थिंक आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू झलक फॉर ऑल दीज ईयर्स एंड इट्स जस्ट दैट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट. बट अभी जब झलक के लिए फ़ोन आया था तो आई वॉज एक्चुअली शूटिंग फॉर समथिंग एल्स. लकीली दैट गॉट ओवर द डे झलक कॉल्ड मी द स्टार प्लस टेलीफिल्म एंड आई वॉज फ्री फॉर सम टाइम टिल आई गॉट बैक टू द सोनी शो दैट आई एम डूइंग. तो आई सेड इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी येस इट्स अ बिग रिस्क बिकॉज आई माइट नॉट एंटर झलक एंड आई माइट एंटर झलक बट इट्स अ बिग रिस्क बट वाई नॉट मी यू नो यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट ईयर. मतलब नेक्स्ट ईयर इफ झलक इज देयर इट्स नॉट देयर आई एम एज बिग अ स्टार एज आई एम टुडे दैट दे विल कॉल मी और नॉट. सो वाई डोंट आई एक्चुअली ट्राई इट आउट. बिकॉज क्या होता है आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वाइल्ड कार्ड के लिए. अगर मैं हो जाता हूँ वाइल्ड कार्ड में एंट्री सो ऑब्वियसली आई विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर मैं खुदा ना खास्ता नहीं होता हूँ सो एटलीस्ट दैट स्टार्ट हैज हैपेंड फॉर मी. सो आई विल ट्राई टू यू नो इनकल्केट द हैबिट ऑफ लर्निंग मोर यू नो डांस फॉर्म्स. तो आई थिंक दैट्स व्हाई दैट्स द बेसिक रीजन आई एक्चुअली जॉइन झलक बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. बिकॉज आई हैव ऑलवेज थॉट कि मैं सीखूंगा डांस और वो थॉट ही रह जाता था. बिकॉज आई थिंक एक दिन गए और आप एक दिन इतना पेन हुआ कि आप दूसरे दिन गए ही नहीं. इधर वो मैंडेटरी है पेन. इधर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे को पेन हो रहा है या मेरे को दर्द हो रहा है या मेरे पैर में लगी है या मेरे बैक में लगी है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके नहीं लगती, पूरी दुनिया की लगती है. तो आई थिंक व्हेन इट बिकम्स मैंडेटरी टू परफॉर्म एंड टू बिकम बेटर वो एक प्रेशर, पीयर प्रेशर होता है जो आप हैंडल कर लेते हैं. I just want to say thank you so much. I'm trying my best. We are trying our best. Please, I hope you like our performances. And if you like our performance, whenever we ask you for our votes or your votes, please send us votes. And inke fan, aap. Inke fans, please inhe vote kar dijiye. Sari ladkiyan, please vote for him. And mere jo thode bahut fans hain, please vote for us also. Aur, both of us. आप सारे कुआरे लड़के अगर हम इनके लिए वोट करेंगे शायद स्वयंवर हो इनका. राजकुमार ये बॉस बहुत रोक रहा है. पता कितना बड़ा घर है. ओह माय गॉड कर देना वोट प्लीज. नहीं मैं झोपड़ी में रहती हूँ प्लीज मुझे वोट कर देना. इनकी झोपड़ी ना 1,00,000 square feet की है. तो बिल्डर्स प्लीज मत आना. थैंक यू. नो आई हैवंट डन एनी. Small thing on Imagine Remember. Oh, that. Yeah. With Sarojji. And you performed pretty well, I remember. Yeah, थोड़ा सा try किया था. फिलहाल मतलब थोड़े से थोड़ा सा ज्यादा बहुत ज्यादा try कर रहा हूँ. I'm giving my best and because you know तो ना you can't थोड़ा सा उसको ना easily नहीं ले सकते हो आप you know lightly नहीं ले सकते हो. तो या and ये लोग छोड़ते नहीं है. क्या करते हैं जैसे मैं रूम में घुसता हूँ ना रिहर्सल हॉल में तो ये अंदर से लॉक करके ना चाबी पता नहीं छुपा देते हैं दोनों. तो उसके बाद मैं जब बाहर निकलने जाता हूँ एक और बार कर ले फिर यू कैन गो एक और बार. तो मैं तो बाहर से मतलब अंदर रिहर्सल हॉल से मैसेज करता हूँ बाहर कि मुझे बचाओ अंदर ये लोग ने मुझे अंदर यू नो बंद करके रखा हुआ है जान नहीं दे रहे मुझे. अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब जैसे मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसा करेंगे कैसा हर स्टेप क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो चुकी है तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है.
तो मैंने सोचा था कि पता नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लिफ्ट्स भी रखी है जो और डिफिकल्ट है इनके हिसाब से. तो मैंने सोचा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कर लिया तो अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं. और सी आप कभी कुछ नहीं बोल सकते, चांसेस तो पूरे हैं एंड नहीं भी है, वैसा है, दोनों है. बिकॉज बाकी सब भी बहुत टफ हैं, दे गुड, दे डूइंग गुड. सो आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो, हम तो सिलेक्ट होने वाले हैं, हम तो ऐसा है वैसा नहीं. यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड देन छोड़ दो जजेस पे कि क्या है क्या नहीं. सो या वैसे वाला. हाँ, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि हम लोग रेमो सर, माधुरी जी और करण जी के सामने परफॉर्म करेंगे. सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए. हमारा खुद का, मुझे दूसरों से क्या करना है, वो कैसा कर रहे हैं, उनके स्टेप क्या है, मैं अपना देख. यू नो व्हाट व्हाट हैपेंस के आप ज्यादा ही इफ यू दूसरों के डांस पे आप देखो हियर यू नो दे डूइंग गुड, ओ शिट दे वेरी गुड, ओ दिस ओ दैट. नो, हमारा क्या है वो हमें देखना है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे के स्टेप्स कैसे हैं क्या नहीं, उससे कुछ लेना देना. यू हैव टू बी फोकस्ड कि हमारा कैसा हो रहा है, हमें क्या करना है, rather than that what they are doing. So that's what I feel. Okay, what kind of dance form do you know really well? Before Jhalak, I thought that I can dance. After that, after starting the rehearsal, I don't think I can dance. because you know क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत, because yeah I have done बहुत सारे shows किए हैं, मैंने award shows किए हैं, perform किया है, I performed at Wembley also, UK, London. तो वो अलग होता है, और एक कंपटीशन का जो फील होता है, एक जो प्रेशर होता है, वो बहुत अलग होता है. अगर मुझे नॉर्मली कोई अवार्ड शो में ऐसे लिफ्ट देंगे तो मैं दो, मतलब दो नहीं 10 बार सोचूंगा यार ये इतना लिफ्ट क्यों दे रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा टफ है. बट यहाँ पे तो है कि भाई करना पड़ेगा, ये लिफ्ट तो करना पड़ेगा, वैसे वाला होता है. सो हाँ, एंड थोड़ा बहुत डांस जो सीखा होता है थोड़ा बहुत यू नो वो काम आता है, पता नहीं आता है कि नहीं आता, आता है आई डोंट नो. हाँ आता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत. If you see over here right now, one problem that you have, one advantage that you have is you do not have another show on air right now. So you can concentrate completely on this. Are you giving 100%? Keep the time दे रहे हैं आपको? हाँ, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी दूसरे भी जो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि वो साथ में दूसरा भी काम कर रहे हैं, सीरियल भी कर रहे हैं, साथ में ये शो भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए. तो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट है इनके लिए कि ये पूरा अपना टाइम इसको दे पा रहे हैं और पूरा अपना 100% इसको ही दे पा रहे हैं झलक को. Yeah, that's a good thing, and that's why I think I took this. कि अभी थोड़ा time है मेरे पास, and I am not in a hurry to take up any fiction show, because I'm just taking my time. We've heard you body got one. Which one? On Colors, Sapna Ji, Sapna Bagmari Joshi. I don't know. I can't comment on that. But then, yeah, let's talk about Jhalak right now. And then yeah, I said, you know, agar hai and I can give my 100%, I can give all my time, that's why I said ke chalo theek hai ye panga le lete hain. So le liya. Lovely. Any message for the fans out there? Yeah, always keep repeating the same thing that, you know, please keep giving me your love and support, I really need it, without that I am nothing.